सुना हुआ एकदम से मूड बना। कहते हैं कि काल इंसान को खींच के ले जाता है, क्या पता वही काल है ये। इन्हीं झूलों में कैसा वो बताया गया है, आगे मत जा। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, फुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी यू कांट इमेजिन मैंने कितना सारा काम किया है। अभी बर्तन धोए हैं मैंने और सब्जी स्टार्ट कर दिया बनाना, और मम्मी और गोलू जा रखे हैं सरोजिनी नगर कुछ सामान वगैरह लेना। मम्मी शॉपिंग कर रही है, गाँव जाने वाली है मम्मी, सो उसकी शॉपिंग कर रही है। सो मम्मी ब्रेकफास्ट लेकर चली गई थी और आने में लेट हो गया उनको, तब तक मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। सो खाना बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, और वैसे मम्मी चली जाएंगी तो खुद ही बनाना पड़ेगा। सो सब्जी बन रही है अभी, उसके बाद रोटी बनाएंगे और बर्तन पीछे धो दिए मैंने पूरे। सो गाइस अभी बज चुके हैं 4 और मम्मी अभी तक नहीं आई है। खाना पीना मैंने बनाया था और खुद से खा लिया, और अब थोड़ा आराम करता है। और अभी कॉल किया था गोलू को तो कह रहे हैं कि अभी आधे घंटे और लगेंगे रास्ते में। सो आराम करते हैं थोड़ा, फिर शाम में कहीं बाहर निकलेंगे तो दिखाऊंगा आपको। तो गोलू ले आया है यहाँ पे गोलगप्पे, बिस्तर पे खाने बैठ गया। तीखे नहीं है भैया, तीखे बना। तो गोलगप्पे हम भी ट्राई करते हैं। एक गोलगप्पे वाले भैया, एक गोलगप्पा हमें भी देना। दे रहा हूँ अच्छा वाला दो। पहले इसमें स्टफिंग भरेंगे, उसमें फिर ये ऐसे डालेंगे, फिर ऐसे। तो ट्राई करते हैं कैसा है। बहुत अच्छे हैं गाइस, अच्छा है। तो गाइस हम सो के उठ चुके हैं और गोलू अभी भी सो रहा है, और मम्मी लगी है हमारे लिए चाय बनाने में। सो चाय भी बन चुकी है अब, और रेडी है मम्मी लगी पड़ी है आपसे बात करने। चाय सो गाइस चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं कहीं बाहर। गोलू उठ जा भाई, गोलू गोलू हमारी चाय रेडी है, सो चाय पीते हैं पहले। अभी कपड़े फोल्ड करने में क्योंकि मम्मी कैमरा देखते के साथ रुक गई है। सो गए हम कह रहे हैं मम्मी को कि मम्मी गांव चले जाएंगे तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, सारा काम गोलू को करना पड़ेगा। पार्टी शार्टी चुप रहा है। मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, मुझे पढ़ना भी तो है। तो गाइस कोई नहीं, मिलके काम कर लेंगे सारा। मम्मी एक हफ्ते के लिए जा रही है। एक हफ्ते के लिए नहीं जाएंगी, पिछली बार एक हफ्ते के लिए बोल के गई थी, लेकिन देखते हैं इस बार मम्मी कितने टाइम रुकेगी। इस बार कितने दिन का प्लान है? 4 महीने 15 दिन 15 दिन बोल रही है गाइस, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा कितने दिन रुकती है मम्मी। सो मैं तो वीडियो उसमें बता दूंगा। सो मम्मी ने बोला है 15 दिन, देखते हैं कितना टाइम लगता है। 15 से 8 दिन भी हो सकता है, 15 से 8 दिन कम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, कम हो सकता है। सो गाइस देखते हैं। अभी गोलू को डांट पड़ी है कि पापा ये LED लाइट लेके आए थे और ये गोलू ने आते के साथ ही तोड़ दिया है, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपने ये वो दुकान वाले ने रस्सी बांध के दिया था क्योंकि पापा ने स्कूटी में अटैच कर रखा था, और ये इसने जल्दबाजी खोलने के चक्कर में यही तोड़ दिया इसका ये ऊपर वाला जगह। तो गोलू काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है, इसे डांट पड़ गया अभी अभी। सो ये इसका ये टूट गया, इसकी वायर ही तोड़ दिया नई लाइट की। सो पापा देखेंगे। पापा भी गुस्से में है। तो कोई नहीं, पापा भी सही करते। तो होता ही नहीं। नहीं पीने तो
रस्सी खोल अरे क्या समझ ना बात आ उस ट्यूबलाइट सही नहीं हो पाई वापस से पुरानी वाली लगा दी। गोलू इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था उसने जल्दबाजी में खोला और टूट गया। पापा भी पापा ने होप हार लिया और वापस से ट्यूबलाइट को रख दिया। नई ट्यूबलाइट का हो गया पोपट। सो गाइस हमें तो कंटेंट मिल गया ना, मानता है कि नहीं? अब बताओ क्या हुआ? आप लोगों ने टिकट लिए जल्दी आगे जा जाके, बहुत ज़्यादा भीड़ थी मतलब सरोजनी नगर में ना, लेडीज़ की ना बहुत बड़ी लाइन थी, ऐसे ऐसे करके बहुत लंबी लाइन। मम्मी टिकट लेने के लिए मतलब वो स्टार्टिंग में घुस गए, लोग पीछे से बहुत लंबी लाइन से खड़े थे। पीछे वाले ने बोला कि लाइन थोड़ी खड़े, अपने काम पे ध्यान दे। भाई जो जो इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें होती है सारी मैं कवर करता हूँ वीडियोज़ में, जब झटपट मैं कैमरा निकाल लेता हूँ अपना कॉन्टेंट क्रिएट कॉन्टेंट पाने के लिए मैं जो कैमरा निकालना पड़ता है। दे रहा है कंटेंट, बंद कर दो। नहीं कोई अच्छा सा। सो गाइस आज कहीं बाहर जा नहीं पाए क्योंकि हमारी बाइक का है पेट्रोल ख़त्म। सो ये दिख रहा होगा आपको, ये इंडिकेट कर रहा है भाई साहब पेट्रोल डलवाइए। सो पेट्रोल तो है नहीं, सो कहीं जा नहीं पाइए। कुछ गाने लोग कमेंट करेंगे कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा ले रहा, लेकिन उन्हें क्या पता पैसे भी लगते हैं। सो गाइस पैसे भी नहीं है हमारे पास, सो घर पे ही हैं आज, कहीं जा नहीं पाए। सोचा था शाम में निकलेंगे लेकिन जा नहीं पाए, सो बैठते हैं घर पे। और तो गाइस सभी तार रखा था तो हम जा रहे हैं एक नाइट वॉक पे, खाना पीना डन हो चुका है, तो एक नाइट वॉक कर लेते हैं, घूमते हैं मतलब नाइट वॉक मारते हैं, उसके बाद फिर वापस चलते हैं घर। सो गाइस टिक्की वाले भैया हमें देखते हुए, सो आज मैं इतना कॉन्फिडेंस में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी गली नहीं है। क्या ही फ़र्क पड़ता है। सो गाइस पीछे गाना पड़ रहा है दुपचक दुपचक, तो ऐसे नाइट वॉक करते हैं फिर वापस चलते हैं। गाइस हम जा रहे हैं यहाँ पे एक भूतिया पार्क है, सो वहीं उसको एक्सपोज करने जा रहे हैं। सो काफ़ी चीज़ें सुनी है उसके बारे में, काफ़ी डर लग रहा है अंदर से। मुझे तो लग रहा भाई हनुमान चालीसा याद है, मुझे भी याद है मैं ही बचूँगा। सो जाके देखते हैं वहाँ पे वो सच में भूतिया है कि नहीं। वैसे लगता तो नहीं है ऐसा कुछ है, लेकिन सुना हुआ एकदम से मूड बना। कहते हैं कि काल इंसान को खींच के ले जाता है, क्या पता वही काल है ये। हम जा रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो गाइस देखते हैं क्या होता है। अंदर तो जा रहे हैं हम, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, अंदर कुत्ते भी भौंक रहे हैं। सो गाइस अभी कोई भी नहीं है पार्क में, सब इतना आराम से ही। भाई देखा तूने पीछे क्या क्या होगा पता जल्दी। अबे कपड़े को भाई भाई हाँ। सो गाइस होप आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पार्क में इस टाइम कोई भी नहीं है। आगे किसकी लाश चल के आ रही है। सो गाइस ये क्या हो गया, ये रास्ता बंद कर दिया गया है कि उसी साइड है वो झूले जिस साइड भूत है, तो ये रास्ता बंद कर दिया गया है कि कोई इस साइड जाए ना। सो अगर हमें जाना है तो हमें इसे कूद के जाना पड़ेगा। सो गाइस ये हम दीवार क्रॉस करने के बाद आ चुके हैं इस पार्क में। तो गाइस देख लो इस पार्क में कोई नहीं आता, यही एक वजह है, इसकी बाउंड्री भी कर दी गई है। सो इस पार्क में कोई भी नहीं आता, लेकिन आप पैरों के निशान देख सकते हो। तो गाइस आप इन्हीं झूलों में कैसा वो बताया गया है, आगे मत जा। हाँ इन्हीं झूलों में बताया गया है कि यहीं देखा जा सकता है। और ये ऐसा उठ कैसे रखा है ये तो? अरे यहाँ तो एडिट हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, मैंने इसे यहाँ से छोड़ूंगा, तो इसका रिवर्स बना दिया ऐसा पीछे करते हुए। सो गाइस निकलना पड़ेगा। वाह क्या सीन है पार्क में कुछ गलत लगता है मुझे। सो गाइस उस साइड कुत्ते भी भौंक रहे हैं।
सो गाइस यहाँ कुत्ते भी भौंक रहे हैं। आई गेस मुझे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि गाइस हम वहाँ से निकल चुके हैं, हमें कुछ सही नहीं लग रहा था, उस पार्क से निकल चुके हैं, अब सीधा जा रहे हैं घर और घर पे जाकर मिलता हूँ आपसे। गाइस हमें नहीं पता है वो इतना ख़तरनाक पार्क क्यों है, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं दिखा भाई, लेकिन पता नहीं झूले हिल रहे थे वो। अरे कहना क्या चाहते हो? रिकॉर्डिंग तो वहम नहीं हो सकती गाइस, दिखा था वो झूला भी हिल रहा था जो कि आपने वीडियोस में देखा होगा। सो गाइस अब घर चलते हैं, हमारे लगता है कोई हमारे पीछे पड़ गया, तो पीछे चलने की आवाज़ भी आ रही है, जल्दी से चलते हैं। सो गाइस घर पहुंच चुके हैं, अब खाना खाते हैं, मेरे पापा ने सबने खाना खा लिया तो हम खुद से खाना लेके खाते हैं, फिर ऊपर चलते हैं एडिटिंग के लिए। सो गाइस ऊपर आ चुका हूँ और कब पीसी मैंने ऑन कर लिया है, अब एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ एंड, और कल मिलता हूँ आपसे एक बेहतरीन ब्लॉग के साथ। बाय, कीप सपोर्टिंग गाइस। गाइस जो बंदे देख रहे हैं लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल डेली ब्लॉग्स देखने के लिए। रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।